अभी मतलब पहली बात तो यह है कि जब से ये लाइक फर्स्ट लुक से लेके ट्रेलर से लेके जब से ये सब रिलीज होते जा रही है, एक एक मतलब जो एक्साइटमेंट है, 10th को शो रिलीज हो रही है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो लाइक जो रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रेलर से, है ना, और जो लाइक पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट एवरीथिंग, आप लोगों को किस किस्म का मतलब यू नो रिस्पॉन्स मिल रहा है फ्रॉम द ट्रेलर ऑफ द अपकमिंग शो? जो मुझे फीडबैक मिली है, जिसने देखा है फेसबुक जी पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, सबका आई हाँ थिंक यूनानिमस एक रिस्पॉन्स है। मिक्स तो हो रहा है थोड़ा, हाँ, इंग्लिश उर्दू हिंदी के हाँ जबरदस्त बिल्कुल डायनामिक कलरफुल नोआ एटमोस्फेरिक एक धनधनाती हुई चीज है जो मिस नहीं हो सकती और सब नोट करते हैं। कोई ना कोई जरूर या पसंद के या नापसंदीदगी के आ रहे हैं, जो कुछ हैं उनमें वो इस तरह के हैं कि ये क्या बना दिया इतना डार्क, फिर इस तरह के भी हैं कि इतने तुम लोग डरावने लग रहे हो, ये क्या कर रहे हो, एंड दूसरी तरफ आ रहे बहुत अच्छा किया है, ये इसी तरह की चीज की जरूरत थी इस वक्त, और बहुत इस तरह के शोज की हम लोग तंग आ गए पिछले किस्म के जो काम होता रहा है रन ऑफ द। तो दोनों तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं जो कि मुझे लगता है अच्छी बात है। लोग कंपेयर भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और मगर बहुत हर तरफ से एक्साइटमेंट है, और अब मुझे हर कोई कातिल कहने लगा है, तो इसमें भी खुशी है। आई थिंक ऐसे पहले कभी मैंने नहीं सोचा था कि कोई कातिल कहेगा और मैं खुश होंगी, तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब अपने अपने किरदार के बारे में बताएं, और कैसे इस सोच के साथ आप रिलेट करते हैं, है ना, ये बताएं। हमारे कैरेक्टर्स के बारे में जो मैं थोड़ा बहुत बता सकती हूँ वो बता देती हूँ अपने ही पर्सनली। मतलब जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं, ओवरऑल उनका जो आर्च है वो इसी तरह से चल रहा है कि वो पहले इस तरह की औरतें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सब्र करती हैं, बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीजन होती हैं, और वो जो भी उनकी जिंदगी में पेट्रियार्क्स होते हैं, मेल फिगर्स होते हैं, उनकी बात मान रही होती हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म हो जाता है कि फिर इवेंचुअली उनका सबर का पैमाना लबरेज हो जाता है। तो फिर वो आगे से फिर क्या एक्शन लेती हैं और वो किस तरह से अपने लिए खड़ी होती हैं, इट्स अबाउट दिस। ऑफ कोर्स मतलब मुझे ऐसे लग रही है सुनाते हुए कि ये तकरीबन हर औरत की कहानी होगी, हर स्ट्रॉन्ग औरत की कहानी, बट द वे इट्स प्लेड आउट हियर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड साथ में जॉनरा का भी फर्क आ जाता है, इस तरह का जॉनरा कभी इट्स नेवर बीन डेल्ट विद बिफोर। मेरा कैरेक्टर इज मैसी मॉम, जो थोड़े हटके, शी इज एन ओल्डर पर्सन एंड शी डज व्हाट शी डज बिकॉज ऑफ जस्टिस, जस्टिस इंसाफ के लिए वो जो कदम लेती है, इट्स बिकॉज उसके मियाँ का एक मोटो था, फियर पिरिटेट जी स्टार्ट बुंडस। सो उसका है कि इवन इफ यू हैव टू गिव योर लाइफ फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए अगर आप जान भी देनी तो दे दो, तो वो जस्टिस के लिए चलती है आगे, और अदरवाइज वो बहुत अपराइट और उसका उसका जमीर बहुत तेज और शार्प और चलता हुआ है, और वैसे वो कंपैशनेट है और काइंड है, और उसमें मस्ती भी है, और वो छुट्टा भी जाके अपनी दोस्त के साथ लेती है और मजा भी है उसमें, सेलिब्रेट भी है। कुछ करेंगे इसके बारे में, और जो करती हैं वो साफ नजर आ रहा है क्या करती हैं, बट कोई करता है लव के लिए, कोई कोई इंतकाम के लिए, कोई प्यार के लिए, कोई इंसाफ के लिए, वजह कोई और होती है, मगर कॉज एक पैशन का होता है, एक जज्बे का होता है कि एक औरत कहती है इसके लिए मैं ये करूंगी जो मैंने करना है। मेरा तो कैरेक्टर तो का नाम है माई मालकी, और वो बहुत लोग उसको अकीदे से और बहुत रिस्पेक्ट की तरह देखते हैं, क्योंकि वो एक गद्दी नशीन है, अपने बाप उसका बहुत रिस्पेक्टेड था, ले और वो अपनी जिंदगी एक तरीके से गुजारती आई है जो कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हैं, और उसके बाद जब वो बिट्रे होती है इमोशनली, या उसको लगता है कि बाकी लोग उस तरह से नहीं पूरा कर रहे अपनी जिंदगियों के रोल, तब वो अपने आप से कनेक्ट करती है, वो अपने उस जकड़े हुए जो भी उसकी एक डेफिनेशन थी उससे निकल के, और फिर वो असल इंसान बनती है और दूसरों के साथ कनेक्ट करना शुरू करती है।
वो मुझे बहुत मजे की इसकी ये बात लगी कि जब उसने अपने आप से कनेक्ट किया तो उस वो सारी जो रिवायती एक्सपेक्टेशन थी उससे वो हट सकी। मेरे कैरेक्टर का नाम महक है, और महक जब आप स्टोरी स्टार्ट होती है तो उस वक्त आप देखते हैं कि वो बहुत ही डिसओरिएंटेड एक लड़की है, और वो बिल्कुल गुम है, उसको बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं है लाइफ में, और उसकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी नहीं है. लेकिन जब आप बैक स्टोरी में जाते हैं और उसके फ्लैशबैक में फिर आप स्टोरी रिवील जब करते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसके साथ हुआ क्या था, और हाँ उसने उसका बिट्रेयल या उसको धोखा कैसे मिला. आई फील इस कहानी की जितनी भी खवातीन हैं उन सब में कहीं छुपी हुई हिम्मत बहुत ज्यादा है, लेकिन लाइफ की सिचुएशंस और लोगों के एम्पावर होने और उनके जैसे जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनको पूरा करते करते अपने आप को भूल गई हैं. लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आती है हर औरत की स्टोरी में जहां उसको याद आता है कि उसके अंदर वाकई कितनी हिम्मत थी. तो चाहे वो माई मालकी हो, या चाहे वो बेवखाला का हो, या बानो का हो, सनम का हो, फायजा का हो, ईमान का हो, या मेरा कैरेक्टर हो, हम सबको एट एट सम पॉइंट अपनी स्टोरी में याद आता है कि हम औरतें हैं और हम में हिम्मत है और हम डर के नहीं रहेंगे या धोखे नहीं खाते रहेंगे जिंदगी में. इक्वालिटी की बात करते हैं ना, मतलब समवेयर मैं ये पूछना चाहूंगी कि कहीं क्या आपको लगता है कि जो हमारी अपब्रिंगिंग भी है ना, मतलब वहां पे भी एक थोड़ा सा लाइक शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। और ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई दफा ऐसा होता है ना कि बचपन से ना, मैं अगर सिर्फ अपनी बात बोलूँ ठीक है ना, आप एडुकेशन बिल्कुल सेम टू सेम दिया जाता है हमें, सब कुछ सेम टू सेम किया जाता है राइट। जब हमारी एम्बिशंस की वो, जब जॉब और एम्बिशंस वो सारी चीजों के बारे में बात होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली फॉर गर्ल्स इट हैपेंस दैट नो आफ्टर मैरिज समवेयर, वेदर इट्स इन लॉज और योर पेरेंट्स और एवरीबॉडी वुड बी लाइक, बेटे अभी तो शादी हो गई है ना, अभी तुम्हें ध्यान जो है वो थोड़ा घर पे देना चाहिए, भले ही लाइक यू नो प्रोबेबली यू आर टैलेंट वाइज प्रोबेबली यू आर मोर केपेबल देन योर स्पाउस, बट इवन देन दैट इज समवेयर, एंड इवन आवर moms also encourage to an extent right, because that is a probably the tradition that they are following. Do you think somewhere the upbringing, especially the mothers right, they need to change their thoughts so that we can continue this conversation and the practice of gender equality? एक assumption ये है कि औरत की security अगर आ रही है तो वो financial security के लिए किसी और पे dependent है, चाहे वो बाप है, चाहे भाई है, चाहे मियाँ है, और उसको हम प्रायोरिटाइज नहीं करते कि औरत का अपना, जिसको आप टैलेंट कह रही हैं या एजुकेशन है या उसकी जो एक फाउंडेशन जो है वो इतनी सॉलिड हो कि वो इंडिपेंडेंटली खड़ी हो सके. इसलिए वो डिपेंडेंसी की जो एक हमारी आदत बनी हुई है सोसाइटी में, जो आप कह रही हैं कि माएं भी इनकरेज करती हैं, आई थिंक माएं इसलिए करती हैं क्योंकि उनके लिए अक्सर यही एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी कि जिस पे आप डिपेंडेंट हैं उसकी आप सेवा करें, उसका ख्याल रखें ताकि वो फिर आपका ख्याल रख सके. एक ये बैलेंस बना हुआ था, तो हम उसी को रिपीट किए जाते हैं बार बार. जो बट सबसे जरूरी चीज तो यही है कि लड़कियों की भी एजुकेशन भी, और किसी ना किसी स्किल के अंदर उनकी इतनी महारत हो, वो इतनी अपने फील्ड में इतनी पॉलिश हो जाए कि वो किसी और पे डिपेंडेंट होने की उनको जरूरत ना रहे, उसकी हमें आदत बनाने की जरूरत है. हाँ, औरतों में ये है कि जैसे सामिया ने कहा है कि वाया द मैन, हमें पावर मिलता है तो उसकी सेवा करो तो वो हमें देगा जो हमारी जरूरतें पूरी करेगा. तो ये बात सारी है कि एक औरत में सब सब है, सब चीज मौजूद है जिससे वो इंडिपेंडेंट हो सकती है, और ये इसको जरूरत नहीं पड़ सकती कि सिर्फ एक आदमी या खामन या बाप या भाई के थ्रू उसको मिले. और
आई थिंक इस शो में खास एक औरतों का बताया है कि ये सब कर सकती हैं और किया उन्होंने. फील दैट कातिल हसीनाओं में ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज को क्वेश्चन किया है, जो ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज हमें सप्रेस करती हैं बीइंग वुमेन, उसको हमने एड्रेस किया है. जो ज्यादातर शोज बहुत सरफेस पे और समटाइम्स शुगर कोट करते हैं, उसको हमने बहुत अप फ्रंट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको हमने एड्रेस किया है. तो आई थिंक ऐसे शोज बिल्कुल बनने चाहिए, एंड स्पेशली व्हेन इट्स बाय द वुमेन फॉर द वुमेन काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट. तो इसमें आप ये देख पाएंगी कि हम अपनी जो स्ट्रीक्स हैं, जो हमारी तकलीफें एज वुमेन हमने जिन पे स्ट्रगल किया है, उन पे हम ये बात कर रहे हैं, चाहे वो चुड़ैल्स हो या चाहे वो कातिल हसीना हो. आई थिंक कूडोस टू शैलजा फॉर पिकिंग अप सब्जेक्ट्स जिन पे हम डरते हैं बात करने से, पैरेलल सिनेमा में हो या मेन स्ट्रीम सिनेमा में हो, हम इन चीजों पे बात नहीं करते. बट आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि औरतों को अपनी वैल्यू, जो वो वैल्यू एक इंसान की जिंदगी में देती हैं या वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देती हैं, वो वैल्यू के बारे में बात की जाए. आई वॉज टॉकिंग टू सर्वत एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस होल थिंग, एंड ये हर साल का ये एक बात है ना कि जब भी हम लोग मिलते हैं इस चीज के बारे में हम जरूर बात करते हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट? आई and the you know zindagi is kind of somewhere taking that initiative somewhere through storytelling. ye jo relationship hai, ye jo cultural exchange hai, wo maintain rahe hai na. aap mujhe batao pichle saal se ye saal mein changes kya kya hua hai, if at all, like you know jo mind change hota hai ya fir kuch bhi, because ye jo conversation hai na ye kabhi khatam hota nahi hai, right? ha pichle saal se ye saal mein ek change to hua hai जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, और वो ये था कि एक ज्यादा मैच पाकिस्तान ने जीता है जो हम लोग हार गए. तो जो मूवी पिक्चर है वो बहुत ज्यादा उसका असर होता है इंसान पे. जैसे हम लोग जब देखते हैं इंडियन फिल्म्स, उनके वर्ड्स आशीर्वाद और ये और यू नो उनका कल्चर, उनकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नोन हो जाती है, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी गुजर गई आप लोगों से अलग. मैंने तो पोइम भी लिखी थी इस पे, यू नो रिविजिटिंग दिल्ली रिविजिटेड, कि इट्स लाइक अ सिबलिंग विद अनदर नेम एंड यू आर जुड़वा लाइक दिस बट यू आर फेसिंग द अदर साइड. तो हमें एक्चुअली बहुत कम हम लोग गए हैं, एक्चुअली विजिट किया है, मैंने किया है विजिट, और बड़ा इमोशनल वो विजिट था व्हेन आई वेंट, बिकॉज मेरे माँ बाप की वो मेमोरी लेन थी जहाँ मैं गुजर रही थी, यू नो जहाँ दिल्ली के नाम मैंने सुने हुए थे, करोल बाग और ये दरियागंज और ये, और जहाँ जहाँ मैं गई आई कुड रिमेम्बर माय पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट इट. सो द थिंग इज कि ये जो मूविंग पिक्चर है अब जो जिंदगी स्पेशली एंड इन द पास्ट टीवी, हमारे टीवी आप लोग देखते थे, हम आपकी फिल्में देखते थे, एंड जी इससे बहुत ज्यादा एक नॉलेज आ जाती है, बिकॉज किताबों से वो नहीं आता जो मूविंग पिक्चर से आता है, जो आप एक्चुअली किसी की कल्चरल एक्सचेंज देखते हैं, उनकी फैमिलीज के अंदर घुसते हैं वाया सिनेमा एंड टेलीविजन. तो आपको बहुत एहसास होता है, नॉलेज आती है कि अगला कौन है, देन यू रियलाइज के डिफरेंसेस जरूर हैं, जैसे आपके नेबर्स के साथ भी डिफरेंस होंगे आपके, बट डिफरेंसेस भी है और सेमनेस भी है, बहुत ज्यादा है जो चीज आप शेयर कर सकते हैं. जो हम गाने सुनते हैं, आई मीन मेरा बेटा मुझसे सुन सुन के हेमंत कुमार सुन रहा है अभी तक, यू नो, और सारे आपके गाने हम सुनते हैं, आई नो मेहदी हसन, नू जहान और गुलाम अली साहब वगैरह सब पॉपुलर, फतेह अली एक्सेट्रा. हाँ. तो खाना गाना भाषा नॉट ऑल, बिकॉज ऑफ कोर्स प्रोविंशियल लैंग्वेजेस फर्क होती हैं, बट हिंदी उर्दू को कंपेयर किया जाए बहुत सिमिलर है खाना. आई मीन वो छोले की चाट वगैरह, आई मीन यू नो बॉम्बे जाओ एंड यू ईट दैट, इट्स जस्ट अमेजिंग. जैसे हमारा कराची में भी खाना उसी तरह का मिलता है. तो ये हमें नॉलेज आती है कि हम डिफरेंट हैं मगर एक जैसे भी हैं.